देवशयनी एकादशी है और शास्त्रों में माना जाता है कि इस दिन से देव का शयन होता है और सभी मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है। लेकिन आज के ही दिन महादेव जागृत होते हैं और पूरे सृष्टि का संचालन महादेव के हाथों में होता है और चार माह तक जो महादेव जी की सेवा करता है, पूजा करता है, अर्चना करता है, महादेव विशेष करके उस पर प्रसन्न होते हैं। श्रावण मास आ रहा है और श्रावण मास की क्या महत्ता है, और हम यहाँ जिलों की नगरी के उदयपुर में अमरक जी महादेव के मंदिर में हैं और इस स्थान की क्या महत्ता है और श्रावण मास में यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था होने वाली है। प्राकृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक आस्था का केंद्र जिलों की नगरी उदयपुर का अमरक महादेव मंदिर प्राचीन शिवालयों में माना जाता है। इसकी सुरम्यता और इसका पहुंचने का मार्ग ही इतना सुंदर है, इतनी छटाओं वाला है कि कोई भी एक बार यहाँ आता है तो बार बार आने का उसको मन करता है। यहाँ प्राचीन शिवालय हैं। यह स्थान अम्बरीश ऋषि के तपस्या स्थल के नाम से विख्यात हैं। यहाँ ठंडी राखी के दिन यानी कि राखी के दूसरे दिन मेला लगता है और आदिवासी अंचल के विख्यात लोक नृत्य गवरी की शुरुआत यहीं से होती है। जिस तरह से यहाँ पर कुंड बने हुए हैं और यहाँ का हर भाग कलात्मक है, यहाँ पर जो भी आता है, चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से आए, धार्मिकता की दृष्टि से आए, अपने कैमरों और मोबाइल में इसे संजोकर ले जाता है। यहाँ देसी विदेशी सैलानी भी आते हैं और अमरक जी महादेव मंदिर का धार्मिक महत्व भी पौराणिक है। ओंकार मलेश्वरम हरल्याम वेदनाथम च डाकिनाम भीम शंकरम सेतु बंदे तु रामेशम नागेशम दारुकामने वाणश्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम भूषमेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पटेन्द्र तस्मिन् हरि ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव बोल श्री अमरक जी महादेव की जय। हर हर बम बम हर हर बम 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 हर हर बम बम हर हर बोल श्री अमरक जी महादेव की जय। हमारे साथ में अमरक जी महादेव मंदिर मंडल के का जो ट्रस्ट बना हुआ है उनके पदाधिकारी हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं सभी यहाँ पर जो हैं वो बड़े लंबे समय से इस स्थल के लिए संघर्ष भी किया है। अनंत गणेश जी त्रिवेदी साहब, आप बताएं इस स्थल की क्या महत्ता है। जी, ये तो मेवाड़ का एक शिव धाम है जी, और सभी लोगों के सामने ये सब परिचित है वैसे इस स्थान से। इतना पुरातन स्थान है, महर्षि अम्बरीश की ये तपोभूमि है और जो मंदिर देख रहे हैं 2000 वर्ष पुराना है। हालांकि पुरातत्व विभाग इसको 600 वर्ष मानता है, किस जमाने में इसका जीर्णोद्धार हुआ होगा जिसकी कोई इतिहास नहीं है, लेकिन यहाँ जन प्रतिभागिता से इसका पूर्ण जीर्णोद्धार हो चुका है। सिर्फ एक काम बाकी है और वो है कलश चढ़ाने का, जो सबके राय से वैसे तो ये भी हो चुका होता, लेकिन कोरोना काल के कारण से इसको फिर स्थगित करना पड़ा। तो ये शिवधाम जो है एकलन जी के रास्ते में ही है, लोग यहाँ दर्शनार्थी और भक्तगण का जमावड़ा बना रहता है और प्रति सोमवार को तो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर। अब श्रावण मास शुरू होने जा ही रहा है, आज एकादशी है, देव शयनी एकादशी है, सब देव
शयन करने जाते हैं, लेकिन भगवान शिव को तो शयन की कहाँ आवश्यकता, वो तो स्वयं जागृत हैं, निरंतर जागृत हैं। इसलिए सारे देवताओं की जिम्मेदारी अब भगवान शिव की है। तो आशुतोष है भगवान शिव, इनकी आराधना से सारे मनोवांछित पूरे होते हैं। तो लोग यहाँ निरंतर आएंगे, दर्शन करेंगे, आराधना करेंगे, मनोवांछित फल प्राप्त करेंगे। हम सब मिलकर के भगवान शिव से आराधना करना चाहते हैं कि प्रभु इस महामारी से मुक्त कर दो दुनिया को। बहुत परेशान है जनमानस, परेशान है, यहाँ लोकल लेवल से लगा के पूरा विश्व समुदाय दुखी है। तो हम तो आस्थावान लोग हैं और अंतिम निर्णय नारायण ही करते हैं, भगवान महादेव ही करते हैं, ये भोलेनाथ हैं, हमारी आवाज़ सुने। और विशेष तौर से इस श्रावण मास में लोगों की भावना भगवान शिव तक पहुंचेगी और हमें विश्वास है इस महामारी से भी मुक्ति मिलेगी। अशोक जी बताएं किस तरह का यहाँ पर श्रावण मास में व्यवस्था रहेगी भक्त जो आएंगे? यहाँ हर डेली अनुष्ठान और रुद्राभिषेक वगैरह जो भी ये भक्त लोग आते हैं, और हर साल जो है पूरा महीना रुद्राभिषेक वगैरह की व्यवस्था ये पूरी हमारे यहाँ जो भी व्यवस्था होती है वो करते हैं। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग उदयपुर से वगैरह काफ़ी लोग यहाँ अनुष्ठान वगैरह करते हैं, अभी भी ये अनुष्ठान चल रहा है क्या, और ये डेली रोज चलेगा पूरे महीने। और फिर यज्ञ भी होते हैं। कोविड की गाइडलाइन के अनुसार दर्शनार्थियों के लिए क्या, प्रवेश के लिए क्या, दर्शनार्थियों के लिए पूरा है, मास्क वगैरह पहन के आवे, और मंदिर के क्या हमने रस्सी लगा रखी है, कोई अंदर प्रवेश नहीं करे और कोई घंटी वगैरह नहीं बजाते हैं, और दर्शन करके चुपचाप रवाना होने का ये पूरी व्यवस्था है। बंसी जी बताएं, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं इस स्थान के बारे में? मेवाड़ का एक दार्शनिक स्थल है शिवधाम है, काफ़ी लोग बाग उदयपुर के आसपास के लोग और विशेषकर आसपास की पंचायत समिति बड़गांव के सभी गांव के लोग यहाँ आते हैं। पंच सरपंच सारे गांव के लोग आके पूजा अर्चना करते हैं और खुशहाली के लिए कामना करते हैं, और सब लोग यहाँ संतुष्ट होके जाते हैं, यही मेरा मानना है। हाँ, आप बताओ राणा साहब क्या कहना है? ये शिवालय अत्यंत प्राचीन है, यहाँ पर अभी श्रावण मास का शुभारंभ होने वाला है और सभी देवता आराम के लिए हैं, लेकिन भगवान शिव जागृत है। इस शिवालय में जितने भी यात्री आ रहे हैं तो उनके लिए कोरोना गाइडलाइन का हम पालन कर रहे हैं, और जो शिव भक्त यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं और जो प्रसादी वगैरह का कार्यक्रम यहाँ किया जाता है उसकी पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे तथा कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। क्या व्यवस्था पंचायत की तरफ से, किस तरह से मार्ग वगैरह साफ सफाई वगैरह की क्या किस प्रकार से व्यवस्था रहेगी? जी हमारे ग्राम पंचायत की ओर से यहाँ पे साफ सफाई की रोड की सफाई उपाय करते हैं, और अभी थोड़े दिन बाद में मेला भी लगेगा, उसकी पूरी ग्राम पंचायत पूरा व्यवस्था देख रेख करेगी। और मेरे को सबको ये मानना है कि महादेव जो भी दर्शनार्थी जो आते हैं कोरोना काल की गाइडलाइन से चले, मास्क लगावें, बिना मास्क से नहीं आवे, और महादेव जो करें जो भीड़ भाड़ नहीं करें, दर्शन करें, अपना जो भी दर्शन करके आप जा सकते हैं और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करें, ये है। और ग्राम पंचायत पूरा, आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो? पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं आप जी। ये तो देखो बहुत धार्मिक, बहुत पुराना स्थान है यहाँ महादेव का, और महादेव की महिमा है, लोग यहाँ आते हैं, आराधना करते हैं, इंद्रदेव पसंद हो, बारिश अच्छी हो, समय अच्छा हो, लोगों में बीमारी दूर हो, ये कोरोना माँ चल रहा है, कोरोना की महामारी कम हो, सब प्रार्थना करते हैं, छोटी मोटी प्रसादी करते हैं, अभिषेक करवाते हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अमृत महादेव में आते हैं, और कोरोना की पूरी गाइडलाइन को पालना करते हुए सब आएंगे और जाएंगे। और यहाँ पे आने पे किस प्रकार से सुकून मिलता है? देखिए इस प्रकृति में मौन का भी अपना एक महत्व है, और जब हम इस स्थान पर आते हैं तो दोनों ओर अरावली की पर्वतमाला है और बीच की घाटी में ये पुरातत्व विभाग का अमरक महादेव का मंदिर है, और यहाँ आके एक अद्भुत शांति का संचार अंतर मनस में होता है, जो कि साधकों के लिए और अपने अंतर जगत की यात्रा जो करना चाहते हैं उनके लिए एक सर्वश्रेष्ठ स्थान है कि इस स्थान पर आकर प्रकृति की गोद में बैठकर, ईश्वर के समक्ष बैठकर हम अपनी साधना और
आत्मज्ञान की साधना यहाँ पर कर सकते हैं, श्रेष्ठ स्थान है। जय माता।